अब हम ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं इसका ही एक फ्लावर है जो मैं बना के दिखाऊंगी आपको। मैंने पहले भी बनाया है, दे देखो, पर अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ये सर्कल बनाया है ऐसे लाइन बनाते जाना है। आप देखोगे कि बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से सर्कल बना देने हैं छोटे छोटे। ये देखो, अभी यहां से इसको डार्क करना है, जैसे फ्लावर के अंदर होता है। आप बाकी फ्लावर्स में भी देख सकते हो, ये डार्क होते जाएंगे। ये देखो, धीरे धीरे आपके लाइंस बड़ी सफाई से, आपका फ्लावर है जो कंप्लीट हो रहा है। जैसे जैसे लाइन बनाई थी ना, उनके साथ साथ ही ये लाइन चलनी चाहिए हमारी। अब इसको कंप्लीट करना है दूसरे को। बीच में से बिल्कुल भी इसको खाली नहीं छोड़ना है, ये लाइंस हमारी सीधी सीधी हों। इसको यहां से भी कर सकते हो आप। धीरे धीरे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आप देखते रहो, ये बहुत ही अच्छा फ्लावर बन के तैयार होगा। अब इसके बीच में से सर्कल भी बनाने हैं आपको। धीरे धीरे आप छोटे बड़े सर्कल बीच में बनाएंगे। इसको डार्क करना है यहाँ से, तभी जो ये डिजाइन है जो पूरा कंप्लीट होगा। इसको डिजाइन के मुताबिक आपको कंप्लीट कर देना है।
आप देखो, धीरे धीरे से ये हमारा डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इधर से भी ये सेम लाइंस आपको ये इधर लेके जानी है। देखो ये बिल्कुल ऊपर की तरह वैसे ही डिजाइन बन के तैयार हो रहा है। अब आप इधर से भी कर सकते हैं इसको डिजाइन को। बहुत ही आसानी से हम इसको डार्क करते जाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो गया है। ऐसे ये आप बिल्कुल पूरे पेज पे बना सकते हैं।